1956 में ली गई ये पिक्चर्स IBM कंपनी की है, जिसमें यहाँ के एम्प्लॉइज इस हार्ड ड्राइव को ऊपर ले जा रहे हैं। इस मेमोरी कार्ड की क्षमता थी सिर्फ 5 MB और आज 2018 के आखिर में 512 GB का मेमोरी कार्ड आपके उंगली से भी छोटी होती है। सिर्फ 60 साल के अंदर ही टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो जरा सोचिए, अगर 60 साल में टेक्नोलॉजी का इतना ग्रोथ हो सकता है तो 2050 तक हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 2050 तक होने वाली ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो कोई प्रेडिक्शन नहीं बल्कि एक जेन्युइन फैक्ट होगा। तो जेन्युइन से याद आया, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया गया है स्किल शेयर की तरफ से, जहां पर आप कोई भी चीज बिल्कुल ही फ्री में सीख सकते हो 2 महीने के फ्री मेंबरशिप के जरिए। अधिक जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अगले ही साल 2019 में इलोन मस्क का टेस्ला मोटर 5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चर कर लेगा और डेनमार्क में पहली बार एक ऐसे चिड़ियाघर का उद्घाटन होने वाला है जहां कोई पिंजरा ही नहीं होगा। इसी के साथ नासा एक स्पेस प्रोब इनसाइट को 2019 में मंगल ग्रह की ओर लॉन्च करेगा, जो उस प्लेनेट के मिट्टियों के ऊपर गहरे लेवल पे रिसर्च कर रहा होगा। साल 2020, जब दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा नहीं रहेगा, क्योंकि इसी साल सऊदी अरेबिया में मौजूद 3,303 फीट ऊंचा जड्डा टावर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। इसी साल इंडिया अपने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को देश के कोने कोने तक पहुंचा देगा, जिससे ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को भी इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। कैलकुलेशन और रिसर्च से ये पता चला है 2020 के अंदर पूरे दुनिया में 610 करोड़ से ज्यादा लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करेंगे। इसी साल बिगलोयर स्पेस नाम का एक प्राइवेट कंपनी स्पेस के लिए एक कमर्शियल होटल लॉन्च करेगा, जिसमें लगभग 6 लोग आराम से रह सकेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि ये होटल हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं बल्कि बहुत ही अमीर लोगों के लिए है। इसी साल टोक्यो में इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स की शुरुआत होगी। 2021 में नासा जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च करेगा, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप का रिप्लेसमेंट होगा, जो हमारे ब्रह्मांड के कई अनसुलझे पहलुओं को समझने में मदद करेगा। इसी साल इंडिया पहली बार किसी इंसान को स्पेस में भेजेगा, यानी इंडिया का पहला मैन्ड मिशन 2021 को होने वाला है। साल 2022, जब कतार में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप और विंटर ओलंपिक्स बीजिंग चाइना में होगा। आप सब ने बुलेट ट्रेन्स के बारे में तो जरूर सुना है। तो इसी साल मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन्स का उद्घाटन होगा, जिसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू हुआ था 2018 के अगस्त महीने में। 2023 में इसरो का बनाया हुआ शुक्रयान 1 को लॉन्च किया जाएगा, जो वीनस ग्रह की वातावरण और उसके सतह से रिलेटेड जरूरी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा। और इसी साल टाइम पिरामिड के चौथे बिल्डिंग ब्लॉक्स को रखा जाएगा, जो कि हर 10 साल में एक बार होता है। 2024 में स्पेसएक्स पहली बार मंगल ग्रह की ओर रॉकेट्स लॉन्च करेगा, जिसमें वो जरूरी सामान होगा जो मंगल ग्रह में इंसानी बस्तियां बसाने के काम आएगा, और सोलर पैनल्स की कीमत आज के मुकाबले तब काफी कॉस्ट इफेक्टिव होगी। इसी समय टेस्ला मोटर्स की तरह इलेक्ट्रिक कार्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगेगी। जिस तरह आजकल हमें वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलता है, उसी तरह साल 2025 तक मोबाइल फोन्स को वाईफाई जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके वायरलेस चार्जिंग करवा पाना संभव होगा। इसी साल दुबई में मौजूद दुबई लैंड का कंस्ट्रक्शन पूरा होगा, जो कि बहुत बड़ा पब्लिक पार्क या टूरिस्ट स्पॉट है। साल 2026 में ला सग्राडा फैमिलिया का कंस्ट्रक्शन समाप्त होगा, जिसे साल 1883 में शुरू किया गया था। अगर देखा जाए तो इस चर्च को बनाने में लगभग 143 इयर्स लग गए। इसमें बहुत ही खास किस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करने के कारण इस चर्च को तैयार करने में इतने साल लग गए। इसी साल गूगल इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने में काफी पैसा इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि इंटरनेट स्पीड आज के मुकाबले कई गुना तक बढ़ सकता है। वही मेडिकल फील्ड में सर्जन्स इंफ्रारेड गॉगल्स का उपयोग करेगा, जो 0.04 इंचेस छोटे ट्यूमर को भी डिटेक्ट कर सकता है। अगर आपको एस्ट्रॉइड और कॉमेट से खास लगाव है तो साल 2027 आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसी साल लगभग 300 मीटर का एक बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकरा सकता है। इसके अगले साल इटली में मौजूद वेनिस शहर इंसानों के रहने के लायक नहीं रहेगा, और इसकी वजह होगी यहाँ के बढ़ते पानी का स्तर, जो वेनिस शहर को पूरी तरह तो नहीं लेकिन इतना जरूर डुबो देगा जो इंसानों के रहने के लायक नहीं बचेगा। इसी साल से आप अपने स्मार्टफोन में ब्रीदलाइजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शरीर के सारे बीमारियों के बारे में पता लगा पाएंगे। साल 2029, जब एपोफिस नाम का एक एस्ट्रॉइड धरती से सिर्फ 23,860 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा,
पहले एस्टिमेशन से यह पता चला था कि इस एस्ट्रॉयड से धरती के टकराने की संभावना सिर्फ 2.7% के जितनी है, जिसे बाद में जाकर डिसअप्रूव कर दिया गया। इसके अगले साल 2030 में नासा पहली बार मार्स मिशन के लिए रवाना होगा और साथ ही नॉर्थ पोल में मौजूद बर्फ वाला चादर पहले से काफी छोटा हो जाएगा। साल 2033 स्पेस लवर्स के लिए काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि इसी साल अरोरा मार्स मिशन शुरू होगा। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के इस प्रोग्राम में हम चांद, मंगल और एस्ट्रॉयड्स के ऊपर गहरे लेवल पे रिसर्च होते हुए देखेंगे। इसी के साथ इंसानों के जरूरी सामानों को मंगल ग्रह में पहुंचाया जाएगा। साल 2035 में पहली बार के लिए रशिया में क्वांटम टेलीपोर्टेशन होगा। इसके अगले साल 2036 में ब्रेक थ्रू स्टारशॉट नाम के एक प्रोजेक्ट में कई नैनो स्पेसक्राफ्ट को हमारे सबसे करीब सोलर सिस्टम अल्फा सेंटोरी के लिए लॉन्च किया जाएगा। ये नैनो स्पेसक्राफ्ट लाइट के 15% स्पीड से सफर करेगा और सिर्फ 20 से 30 साल के अंदर ही वहां पहुंच जाएगा। 2045 साल को टेक्नोलॉजी का सिंगुलरिटी कहा जाएगा, जब मशीन्स और रोबोट्स जरूरत से ज्यादा एडवांस होने लगेंगे और शायद इसी रोबोट्स में तब इंसान जैसी फीलिंग्स या इमोशंस होंगी, जिसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसानों का खतरा बढ़ने लगेगा। साल 2050 जब अमेज़न जंगल का आधा हिस्सा हम इंसानों की वजह से खत्म हो जाएगा। इसी के साथ दुनिया में 50% से ज्यादा लोगों के पास पीने लायक प्यूरिफाइड पानी नहीं मिलेगा और शायद 2050 साल तक हम मंगल ग्रह को कॉलोनाइज्ड कर लेंगे। मतलब कई हजार साइंटिस्ट अपनी जिंदगी गुजारने के साथ इस ग्रह पे रिसर्च करते रहेंगे। और यही रिसर्च करना किसे पसंद नहीं, चाहे वो कोई वीडियो एडिटिंग सीखना हो या फिर कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी नया चीज सीखने के लिए हमें एक टीचर की जरूरत होती है, और यही टीचर्स अगर आपको बिल्कुल ही मुफ्त में कोई चीज सिखाता है तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। आज मैं आपको ऐसी ही एक वेबसाइट स्किल शेयर के बारे में बताऊंगा, जहां पर आपको कोई भी नई चीज, जैसे मानो इस चैनल की तरह वीडियो एडिटिंग या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना, वेबसाइट क्रिएट करना या फिर कोई एंड्रॉइड ऐप बना के पैसा कमाना, ये सब आपको बिल्कुल ही फ्री में सीखने मिलेगा 2 महीने के लिए। अगर आप मेरी ही बात करोगे तो जब मैं अपने चैनल के लिए वीडियो एडिटिंग सीखने हमारे यहाँ के लोकल इंस्टीट्यूट्स में गया तो वहाँ के लोग इन कोर्सेज के लिए 1 लाख से भी ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे थे, वो भी सिर्फ एक ही कोर्सेज के लिए। लेकिन अगर आप स्किल शेयर में मौजूद सारे कोर्सेज के साथ इन इंस्टीट्यूट के प्राइस का कंपेयर करते हो तो लिटरली आपको 5-6 लाख रुपए की चीजें बिल्कुल ही फ्री में मिल रही है, वो भी 2 महीने के लिए। वीडियो में लिखी हुई ये सारी कोर्सेज आपको स्किल शेयर में मिल जाएगा, और अगर 2 महीने का फ्री मेंबरशिप इस्तेमाल करके आप सेटिस्फाई होते हो तो आप एनुअली $10 पर मंथ यानी करीब 700 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, वो भी जब आपको फ्री मेंबरशिप इस्तेमाल करके अच्छा लगे तब, उससे पहले नहीं। और ये प्राइस 1-2 लाख रुपए के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। तो इससे पहले कि फर्स्ट 500 लोग स्किल शेयर को साइन अप कर ले, आज ही skl.sh/storypedia लिंक पे जाके इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। स्किल शेयर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है। और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।